मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने सरचार्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं पर्यटन मंत्री को ज्ञापन देकर कहा है कि इसमें सुधार करने के बाद टेंडर किए जाएं ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने में परेशानी न हो। इस अवसर पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने सरचार्ज एवरेस्ट के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें बहुत खामियां हैं और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका नजर आ रही है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट है। व्यापार मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन जो है जॉर्ज एवरेस्ट में जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं उनके संबंध में दिया गया है, वो संबोधित है पर्यटन विभाग को, तो हम उनको भेज देंगे। चूँकि जो ज्ञापन है वो उच्च स्तर को संदर्भ है, वहाँ से जैसे निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को और पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र प्रेषित किया, ज्ञापन दिया है, जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट को जो 15 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है, उस पूरी प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है एक 142 एकड़ की एक संपत्ति है, जिसमें गार्डन एरिया, लैंडस्केपिंग एरिया, टेंट्स, रूम्स, ऑब्जर्वेटरी, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफे, एरो स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सभी चीज़ें शामिल हैं। पर बहुत ही दुखद बात है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग UTDB द्वारा जब ये टेंडर निकाला गया, एक तो इसको अच्छी तरह से पारदर्शिता से बनाया नहीं गया, प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि किसी ना किसी चुनिंदा पसंदीदा आदमी को, ठेकेदार को ये ठेका देने की राह पर है विभाग हमारा। और साथ साथ में बहुत ही गौरवतलब बात ये है कि पूरा का पूरा टेंडर अगर आप पढ़ें उसमें साफ ये कहा जाता है कि एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति जिसको अनुभव होगा वही करेगा। तो ये साफ दर्शाता है कि जो वर्तमान में वहाँ पे एरो स्पोर्ट्स करा रहा है उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उसी चयनित आदमी को उसी के प्रकार का एक निविदा निकाल कर, टेंडर निकाल कर, आमंत्रित कर उसी व्यक्ति को देना चाहता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार लिप्त संस्था विभाग के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ज्ञापन में साफ लिख दिया है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को, मसूरी के निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कार्य में, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को तवज्जो दी जानी चाहिए, सुविधाएं दी जानी चाहिए और तमाम इस प्रकार की 15 बिंदुओं पर हमने एक अपना ज्ञापन आज उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है, जो मुख्यमंत्री जी के सीधा नाम है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर ठीक जॉर्ज एवरेस्ट पर जाकर धरना देंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे कि इस प्रकार की अनियमितताएं कोई उत्तराखंड का कोई सा विभाग ना कर पाए।